इंदौर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने भैयू जी महाराज की मौत के मामले में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि परिजनों के मुताबिक भैयू जी महाराज कहीं पर जा रहे थे, अचानक उनके पास फोन आया तो वो फिर वापस लौट आए थे। साथ ही बताया कि घटना में इस्तेमाल रिवॉल्वर की स्थानीय स्तर पर कोई जानकारी नहीं है। जांच में मिली जानकारी के मुताबिक रिवॉल्वर भैयू जी महाराज के नाम पर है, जिसे महाराष्ट्र के बुलढाणा से लाइसेंस जारी हुआ है। वहीं भैयू जी महाराज के घर के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिनमें पासवर्ड डला हुआ है, जिसका पासवर्ड खुलने पर और भी खुलासे होने की संभावना है। निश्चित तौर पे उसमें 10 सीसीटीवी फुटेज मिले थे, सीसीटीवी कैमरे की जद में था और उसमें कई जरूरी सूचनाएं मिलेंगी, लेकिन अभी तक पासवर्ड जो है अभी तक उसमें अभी नहीं खुल पाया है। एक हमारी पूरी टीम काम कर रही है, उम्मीद है कि आज संभवतः उस पासवर्ड खुल जाएगा। तो उससे कुछ जरूरी तकनीकी और वैज्ञानिक सूचनाएं मिलेंगी, कई उसमें जानकारियां मिलेंगी, जिससे पुलिस को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने में आसानी होगी। वालों को पहले पता किया गया था और यहाँ पर जो जानकारी निकाली गई थी उसमें यहाँ के स्थानीय आम शाखा में उसकी जानकारी होना नहीं पाई गई थी। बाद में जब जानकारी निकाली गई तो पता गया कि 2002 में महाराष्ट्र में वासिम नामक जिले से ये लाइसेंस बना था, जो कि बाद में बुलढाणा जिले में स्थानांतरित हो गई थी। बाद में उन्हीं के, चूंकि ऑल इंडिया परमिट पे उनके नाम से था और उन्हीं के नाम पे ये पूरा लाइसेंस बना हुआ था। और इस तरह के परिजनों ने बताया है कि इसमें अचानक जाते हुए किसी कॉल के कारण वापस आए, लेकिन दोनों घटनाएं अलग अलग भी हो सकती हैं, दोनों जुड़ी हुई भी हो सकती हैं। इन दोनों घटनाओं के बीच में वास्तव में कोई कोरिलेशन, कोई संबंध है कि नहीं, इसके बारे में हमारी टीम जो जांच कर रही है, हमारे पास जो कॉल डिटेल और लोगों के जो बयान और बाकी चीज़ों को पुलिस एक सांचे में उसको अलग अलग इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसमें अगर कोई चीज आता है तो उसे फिर उसके बाद ही अंतिम निष्कर्ष पे उनके विश्लेषण के बाद पहुंचा जा सकता है।